Audio Jungle. Good morning. कैसे हैं आप सब? आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि आज से शुरू हो चुका है और कल से रामनवमी के लिए दिन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब चैती नवरात्र भी शुरू हो जाएगा। तो आपको उसके लिए भी एडवांस में हैप्पी रामनवमी। और बताइए कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग शूट किया जाए और थोड़ा आपसे बात भी किया जाए। अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ और क्या नाश्ता बनाने जा रही हूँ तो सोचा मैंने कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लिया जाए। आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ नवरात्र होती है कि नहीं होती है? मेरे यहाँ नवरात्र बोले तो मतलब पूजा होती है, मैं पूजा करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कल महावीर मंदिर, जो कि पटना का बहुत फेमस महावीर मंदिर है, रामनवमी के दिन बहुत जगहों से जुलूस वहाँ से निकलती है, मतलब लाखों की संख्या में लोग आते हैं पूजा करने के लिए। मैं तो जा नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, समझिए कि रात से ही लाइन लगने स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर रामनवमी की पूजा के लिए, और 12 बजे रात तक पूजा होती है दूसरे दिन। एक रात पहले से लाइन लगनी शुरू हो जाती है और दूसरे दिन रात के 12 बजे तक पूजा होती है। सोचिए कि कितना ज़्यादा भीड़ होता होगा, मतलब रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं तो बस न्यूज़ और पेपर नहीं देखती हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं हो पाती है इतनी भीड़ में जाने की, और ऊपर से तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी को तो बोलते हैं आस्था, भगवान पे श्रद्धा। तो बहुत सारे लोग जाते हैं और पूजा भी करते हैं और करनी भी चाहिए। कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं तो, और आप बताइए कि आप लोग के यहाँ रामनवमी के दिन कैसी तैयारी होती है? यहाँ पे तो पूरे रोड पे ध्वज लग गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं वो जो लाइट होती है पोल पे, जो रोड पे स्ट्रीट लाइट होती है वहाँ पे, मतलब पूरे मेन रोड पे देख रही हूँ, मतलब 3-4 दिन पहले से ही पूरा ध्वजारोहण हो चुका है। मतलब इतना अच्छा भगवा चारों तरफ फैल चुका है, बोलूँ तो चारों तरफ भगवा रंग में रंग चुका है। अब बस गाना गाने की देरी है, योगी जी आएंगे। जोक सपाट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है चारों तरफ पूरे तक में, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा माहौल ही खुशनुमा हो गया है, भक्तिमय जिसको बोला जाए। पूजा ऐसी चीज़ ही होती है कि मतलब मन एकदम शुद्ध हो जाता है। आपके घर पे हो तो मतलब पूछिए ही मत। और 5 तारीख से शायद चैत्री छठ भी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 साल आई थिंक कि या फिर 3 साल तक तो घाट पे छठ नहीं मनाया गया कोरोना की वजह से, बट इस बार मनाया जा रहा है और छठ घाटों की सफाई स्टार्ट हो चुकी है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, छठ पूजा महापर्व है। और अभी मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, नाश्ता बनाने का टाइम हो चुका है। अभी मॉर्निंग के 7:30 हो रहे होंगे, चाय मैंने पी लिया है, तो अभी फटाफट से अपना नाश्ता बनाते हैं हम लोग, उसके बाद फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। कुछ भी शूट नहीं कर पाई और अभी शाम हो चुके हैं, मैंने दिन भर कुछ शूट नहीं किया, मैं थोड़ा ऑफिस में काम में बिजी थी। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, मुझे थोड़ा बाहर जाना था तो मैं फटाफट ऑफिस से आके चेंज किया मैंने, अभी मैं बाहर निकली हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो कल कुछ शूट ही नहीं किया था, तो मैंने फिर अभी मोबाइल उठाया है, देखते हैं बाहर चलते हैं, जो काम है उसको फटाफट फिनिश करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अमरूद खाइए, गर्मी बहुत है, मैं भी खा रही हूँ।
दो टी शर्ट लेना था, देखती हूँ पसंद आता है कि क्या, अगर पसंद आया तो लिया जाएगा। चलिए फिर चलते हैं। फ्रेंड्स मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला, मैं यहाँ पे टी शर्ट लेने आई थी ऑफिस के लिए, बट यहाँ तो क्रॉप टॉप्स वगैरह मिल रहे हैं तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। देखती हूँ आज अगर पॉसिबल हुआ तो कहीं और देखेंगे, नहीं तो फिर किसी और दिन, क्योंकि अभी गर्मी आ गया है तो ऑफिस के लिए हाफ टी शर्ट सोच रही थी लेने के लिए। तो फिर चलते हैं अब यहाँ से, यहाँ तो कुछ मिला नहीं, देखते हैं आगे अगर कहीं मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर किसी और दिन कहीं और जाऊँगी देखने के लिए। उसके बाद मैं बैग के शॉप पे आई थी, बेटे के लिए एक बैग लेना था तो वही लेने के लिए यहाँ पे मैं आई थी। अभी मैं आ गई हूँ किराना दुकान में, मुझे कुछ घर के लिए चीज़ें लेनी थी तो मैंने सामान सेलेक्ट करके निकाल दिया है, अभी बिल बन रहा है। और मैंने टी शर्ट बाय द वे ले लिया है शॉप से, वो मैं आपको किसी दूसरे क्लिप में दिखा दूँगी, क्योंकि अभी तो घर जाऊँगी तो टायर्ड हो जाऊँगी तो इसीलिए अभी नहीं दिखाऊँगी, दूसरे क्लिप में किसी दिन दिखा दूँगी कि मैंने कैसा टी शर्ट लिया है। और यहाँ से बस सामान पैक करेंगे, पेमेंट करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। और इसे देखिए, इसने भी अपने लिए स्कूल बैग खरीदा है, दिखाओ कैसा है स्कूल बैग, पीछे घूमो पीछे, ये देखो कैसा है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो इनका स्कूल बैग खरीदाया जो कि इनको पसंद आया, तो हम लोगों ने स्कूल बैग लिया और अब चलते हैं घर पेमेंट करके, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मैंने अभी अभी अपना चाय फिनिश किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाऊं कि मैंने टी शर्ट में क्या ख़रीदा है कल, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कल कैसा टी शर्ट ख़रीदा है अपने लिए। टी शर्ट मैंने ली है और एक ये पर्पल में है शायद, मैंने ये टी शर्ट ली है, मैंने ये दो टी शर्ट लिए अपने लिए। बस टी शर्ट है, बहुत सारे टी शर्ट्स हैं, बट गर्मी स्टार्ट हो गई है और मेरे पास फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार अभी इतनी गर्मी में फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट पहनने कैसे ऑफिस जाऊंगी, इसलिए मैंने कल हाफ टी शर्ट लिया। अभी मुझे शूज़ लेना है ऑफिस के लिए, देखती हूँ होपफुली कल परसों या फिर दो तीन दिन में निकलूंगी मैं लेने के लिए। तो अभी हो गया है नाश्ता बनाने का टाइम और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं वापस आ गई हूँ, आज मैं नाश्ते में कुछ अलग बना रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और उसका नाम है ब्रेड टोस्ट सैंडविच, मतलब या फिर ब्रेड टोस्ट पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या डालने वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे बनाऊँगी आपको प्रोसेस दिखाऊँगी। हम इसमें लेंगे थोड़ा सा कैप्सिकम और कैरेट, टोमेटो और अनियन। मैंने कैप्सिकम और अनियन और टोमेटो को बारीक काट लिया है और कैरेट को जो है वो ग्रेट कर लिया है। टोमेटो का बीज निकाल के मैंने कट किया है, नहीं तो वो मॉइस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा बटर, ये मैंने अमूल बटर लिया है, मेयोनेज, और मेरे पास सेजवान चटनी नहीं है तो मैंने हॉट एंड स्वीट टोमेटो चिली सॉस ले लिया है, ये ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स है, मेरे पास मिक्स हर्ब्स नहीं है, अगर आपके पास है तो आप उसे ज़रूर डालिएगा। और ये अमूल का चीज ब्रेड है, ब्रेड चाहिए ओबियसली, ब्रेड टोस्ट सैंडविच है तो या फिर ब्रेड तो चाहिए ही, और सॉल्ट चाहिए और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। तो सबसे पहले हम इसे बॉल में मिक्स करेंगे एक साथ, चलिए फिर मिक्स करते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, बस इतना, बहुत ज़्यादा है ये, इससे ज़्यादा नहीं डालना है हम लोगों को, ये तो कड़वा टेस्ट आने लगेगा। अब हम इसमें मेयो डालेंगे, ये वेज मेयो है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी लीजिएगा, मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ,
इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। इसको हम मिक्स करेंगे। मेरे पास सेजवान चटनी नहीं है, अगर आपके पास सेजवान चटनी है तो वो ब्रेड पे स्प्रेड करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सॉस में सॉल्ट होता है, इसीलिए हम इसमें सॉल्ट बहुत ही कम डालेंगे। मैं थोड़ा चीज़ी बना रही हूँ, इसलिए मैं इस मिक्स में भी थोड़ा सा चीज़ डालूँगी और उसके बाद फिर ब्रेड के टॉपिंग पे भी चीज़ डालूँगी। अगर आप चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं या फिर कम खाना चाहते हैं तो टोटली अप टू यू, आप कम डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और ये हमारा जो मिक्स है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए फटाफट से फिर एक सॉस बनाते हैं, पिज्ज़ा सॉस। और पिज्ज़ा सॉस बनाना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको दिखाती हूँ पिज्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं। आपको मेयो लेना है, और हम इसमें अपना सॉस डालेंगे। टोमेटो केचप है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये थोड़ा स्पाइसी है। इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। एक सेकंड, मैं इसको ज़रा ओपन कर लेती हूँ, ये सील है। और हम इसमें थोड़ा सा स्पाइसी के लिए चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्योंकि हमारे पास सेजवान चटनी नहीं है इसलिए। और इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और बस इसको मिक्स करने की देरी है, हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है। हम इसे ब्रेड पे लगाएंगे और देन उस पर टॉपिंग डालेंगे। चलिए फिर ब्रेड पे सब रेडी करते हैं लगा के। हम इसमें थोड़ा सा मिक्स अप भी डालेंगे। अगर आपके पास पिज्ज़ा स्टिक है तो आप उसको यूज़ कीजिए, मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। बस ये बेसिक चीज़ें हैं, वो सारे आपके ये सारी चीज़ें आपको स्टोर पे इजी अवेलेबल हैं, आपको किसी भी किराने स्टोर पे मिल जाएंगे, आजकल तो सब जगह ही मिल रहे हैं। और अब हम ब्रेड में सबसे पहले बटर लगाएंगे। बटर लगाने से एक तो ये कुरकुरा भी होता है और हमारा जो बेस है उसको अच्छे से सेट भी करने में मदद करता है। साढ़े स्लाइस में हम पहले बटर लगाते हैं। हमारे सारे ब्रेड पे बटर लग चुके हैं। अब हम इस पे अपना जो पिज़्ज़ा सॉस हमने रेडी किया है हम उसकी लेयर लगाएंगे। ज़्यादा लेयर नहीं लगाइएगा क्योंकि ये तो ब्रेड है और इसीलिए ज़्यादा लेयर नहीं चाहिए हमें। हमारे ब्रेड स्लाइस पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। अब हम इस पे हमारा जो मिक्स किया हुआ टॉपिंग है उसको डालेंगे। अच्छे से डालिएगा, मैंने बहुत ही बारीक चॉप इसको कट किया है ताकि ये अच्छे से पक जाए, क्योंकि हम इसे तवे पे ग्रिल करने वाले हैं, ओवन में नहीं, क्योंकि सबके पास ओवन नहीं होता है। तो ये तवे पे ग्रिल करने से सबको आ जाएगा ये कैसे बनाना है, इसलिए मैं आपको तवे पे ग्रिल करके दिखाऊंगी। हमने सारी टॉपिंग डाल दी है इस पर, अब हम डालेंगे चीज़ जो मैं भर भर के डालने वाली हूँ अभी। आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ है तो आप उसे भी डाल सकते हैं,
आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, बस यही है कि आपको वो स्टिकनेस नहीं दिखेगा जो मोज़रेला चीज़ में दिखता है, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस एक यही चेंजेस होते हैं। ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। हम इसे एक तवे पे टोस्ट करेंगे। मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है, एकदम लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है तवे को। एकदम जब हल्का गर्म हो जाए तवा, तो इस पे हम अपने ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे। क्योंकि नीचे का ब्रेड बहुत जल्दी पक जाता है, इसीलिए इसको हाई फ्लेम पे नहीं डालिएगा, इसको लो फ्लेम पे ही डालिएगा। और हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। मैंने तवे के बेस में बटर लगा दिया था, उसके बाद इसे ढक के 5 मिनट तक पकने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। उसके पहले हम इस पे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरेगानो डालेंगे, और अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स है तो आप उसे भी डाल सकते हैं पकने से पहले। ऐसे डाल देंगे, उसके बाद इसे ढक के 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। और ये देखिए, ये हमारा पिज़्ज़ा तवा टोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा सॉस के साथ इसको सर्व किया है, और पहला बैच छवि और बेटा खाए हैं, और वो लोग बोल रहे थे इट्स ऑसम बना है, और मुझे देख के ही बहुत डिलीशियस लग रहा है, तो मैं भी खाती हूँ और इसका मज़ा उठा लेती हूँ। तब तक आप भी इसे बनाइए और ट्राई कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना नहीं भूलिएगा। मेरा हैंडल है rinki_pandey355, तो अगर आप ऐसा बनाते हैं तो मुझे टैग करना वहाँ पर ना भूलें, और बनाइए और खाइए, इट्स ऑसम। बहुत टेस्टी बना है, यू शुड ट्राई। मैं खा ली, मिलती हूँ, बाय। मैं ऑफिस आ चुकी हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।